हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज का जो मेन टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसके बारे में होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसका यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस कंडीशन में यूज़ होता है, तो इसके बारे में सारी डिटेल आज हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल और ये एक सिनेरियो मैंने बनाया है, जिसके अंदर एक शख्स है, द टॉम इज स्लीपिंग राइट नाउ। और ये शख्स 10 बजे सोया था, पर जब हम उसे देख रहे हैं इस कंडीशन में प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूसली वो सोया हुआ है 11 बजे तक। तो जब हमने उसको देखा तो सोया हुआ पाया गया, यानी वो जो सोया हुआ है, सोना उसका, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में पाया गया। तो इसके लिए वो कंटिन्यू हमें कंटिन्यूसली पाया गया, तो इसकी वजह से हम इसको कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। और ये अभी हमें नहीं पता कि ये 12 बजे तक सोता रहेगा या फिर 1 बजे तक सोता रहेगा। पास में सोया हुआ है, सोया था, और अभी जब हमने उसको देखा तो उसकी सोने हुए की कंडीशन, असलीप जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो जो सोए हुए सोते हुए की कंडीशन हमें देखी कि वो सो रहा था। तो ये कंटिन्यूसली पाया गया, तो ये सोता रहा और ये कंटिन्यूस फॉर्म में आता है, तो इसे हम कहेंगे प्रोग्रेस कंटिन्यूस टेंस। यानी कि वो पास में शुरू हुआ, हम जब देखने गए उसे, देखा तो वो कंटिन्यू सो रहा था और फ्यूचर में भी सोता रहेगा। यहाँ पर सब एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, अभी के टाइम में काम कर रहा हूँ। मैंने काम शायद 10 बजे शुरू किया हो, 11 बजे आपने देखा और मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। फ्यूचर में 12 बजे और 1 बजे भी काम कर रहा हूँगा। तो मतलब मैं इस वक्त जो आपको देख रहा हूँ, काम करता हुआ पाया गया, मैं काम कर रहा हूँ, ये प्रोग्रेस हो रहा है मेरा काम। यू आर वर्किंग, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। कब इसने काम शुरू किया हमें नहीं पता, कब तक करेगा हमें नहीं पता, पर अभी जो कंडीशन है जिसमें ये काम कर रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ये प्रोग्रेसिंग टेंस कहलाता है। दे आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, ये हमारे पास सारे के सारे एक एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास नॉर्मली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज़ की जाती है, और टू बी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि कौन सा टेंस है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स जो कि प्रीवियसली हमने स्टडी की। आई एम वर्किंग, देखेंगे इसके अंदर ये टू बी वर्ब है, आर टू बी वर्ब है, आर और ये इज, ये तमाम के तमाम टू बी वर्ब्स हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब का भी नाम दिया जाता है। और यहाँ पर वर्किंग, ये सारे के सारे वर्ब हैं, पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आई एन जी वाली फॉर्म है। तो इसका सिंपल, इसकी पहचान भी यही है कि इसके अंदर टू बी वर्ब होगा, इज एम आर, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई होगी। अगर आपको टू बी वर्ब के बारे में नहीं पता तो डू कमेंट, तो हम उसके ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे और आपको उसको उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। तो इसका अफर्मेटिव, आई एम वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, दे आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, और फिर क्वेश्चन में क्या होता है, एम आई वर्क, यानी आपका जो सब्जेक्ट है अफर्मेटिव का, एक मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस वर्ब प्लस आई एन जी वाला वर्ब एंड देन एट द एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, पर इसका ये फॉर्मेट है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए, कोई किसी को क्वेश्चन करना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, एम आई वर्किंग, टू बी वर्ब पहले आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट एंड देन आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी वाली एंड देन एंड में ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही, इज ही वर्किंग, देखें इससे पहले आ गया, आर दे वर्किंग, डू बी वर्ब पहले आ गया, आर वी वर्किंग, देख पहले आ गया, और एंड में क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट वर्किंग, ये नेगेटिव फॉर्मेट आ गया, यानी कि मैं इस प्रेजेंट कंटिन्यूस, इस टाइम में मैं काम नहीं कर रहा। तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस नॉट का सिंपल इस्तेमाल एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आई एन जी के साथ लिखा जाता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। होपफुली आपको अफर्मेटिव क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आपको समझ आए होंगे। एंड देन यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस किस जगह पर यूज होता है, किस किस टाइम, और मतलब कि उसकी क्या पोजिशन है,
किस वक्त यूज होता है? लेकिन टेम्पररी एक्शंस के अंदर एक्शन इन प्रोग्रेस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा हैपनिंग नाउ, या फिर कोई चीज हो रही हो अभी प्रोग्रेस में, यानी ये आपके पास टेम्पररी एक्शन, एक्शन इन प्रोग्रेस एंड हैपनिंग नाउ में ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वट आर यू डूइंग, अभी नाउ की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है? प्रोग्रेसिव टेंस है। तो अब क्या कर रहे हैं? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं इस वक्त पानी पी रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं पानी पीता हूँ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस वही सब्जेक्ट, टू बी वर्ब, आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। पर देखिए यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल नहीं यूज करते, आई ड्रिंक वाटर, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें, यू लुक सैड, वाई आर यू क्राइंग? तो यू लुक सैड वो अब की बात हो रही है, एक्शन इन प्रोग्रेस है। ये भी देखें, एक्शन इन प्रोग्रेस है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, कुछ चीज हैपनिंग हुई है, वो अभी हुई है, सैड है तो कुछ हुआ है अभी, तभी तो वो क्राई कर रहा है। तो कहने का मकसद है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की शक्ल में इस टाइप की सिचुएशन लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा, वाई आर यू क्राइंग? तो अब की कंडीशन में कुछ हुआ है तो वो क्राइंग कर रहा हैपनिंग हुई है कोई चीज़। तो यू लुक सैड, यू वाई यू क्राई, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट एक सिंपल टेंस होता है, वो डिफरेंट है। उसके ऊपर हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। द डॉग इज इन द गार्डन, इट इज चेसिंग द डॉग, इट इज चेसिंग द कैट, सॉरी, यहाँ पे ये कैट को चेस कर रहा है। तो देखें द कंडीशन की क्या, एक्शन इज प्रोग्रेस है, अभी के लिए एक्शन इन प्रोग्रेस है। द डॉग इज इन द गार्डन, ये प्रेजेंट टाइम में पढ़ा है। पर चेसिंग क्या कर रहा है? इट इज चेसिंग द कैट, मतलब ये क्या नाम है, एक्शन इन प्रोग्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज इन द गार्डन, इट चेसिस द डॉग, सॉरी कैट। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट का सिंपल टेंस है, इसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा। मैंने इनडेफिनेट टेंस की जो वीडियो बनाई उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ कि टेम्पररी एक्शन के अंदर, एक्शन इन प्रोग्रेस और हैपनिंग नाउ के अंदर ये सेंटेंस यूज होता है, और हमने ये फर्स्ट यूज हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। सेकेंड यूज, प्रोग्रेसिव चेंजेस, कोई चेंजेस आ रहे हो किसी चीज के अंदर, एक्शन दैट आर इवॉल्विंग, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर भी ये हमारे पास यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू गो ऑन डाइट, आई एम गेटिंग फेटर। अब देखें, एक शख्स है वो एकदम से तो मोटा नहीं हो जाएगा, एकदम से तो फैल नहीं जाएगा, पर वो क्या है, प्रोग्रेसिंग में है, वो प्रोग्रेस हो रहा है, वो मोटा होना शुरू हुआ है, उसका जो बॉडी का शेप है वो इवॉल्व हुआ है, वो जो फेटर होना वो भी इवॉल्व हुआ है, वो भी पैदा होना शुरू हुआ है उसका मोटापा। तो इसके लिए भी हम, इस कंडीशन भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ये आपने याद रखा। देखिए, ये शख्स है जो कि पहले पतला था, वो एकदम से तो मोटा नहीं हुआ ना, एकदम से हो तो नहीं रहा ना, वो अभी होना शुरू हुआ है, वो प्रोग्रेस हो रहा है, उसके अंदर एक चेंजेस प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर वो मोटापा इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी हम इस कंडीशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखें, द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर, एकदम से क्लाइमेट वार्म नहीं होती, एकदम से क्लाइमेट गर्म नहीं होती, सुबह में ठंडी होती है, फिर आते आते दोपहर तक फिर गर्म होना शुरू होती है। तो इसके दौरान वो इवॉल्व हो रही होती है, गर्म होना शुरू होती है, एकदम से गर्म देखते नहीं, सुबह में एकदम से टेम्परेचर हाई नहीं होता गर्मियों में, तो ये बिल्कुल इवॉल्व हो रही है और प्रोग्रेस हो रहा है चेंजेस टेम्परेचर के अंदर। तो ये हम इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे, ना के प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये टाइप देखें, द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, देखें प्राइसेस किसी भी शहर के अंदर, किसी मुल्क के अंदर एकदम से 1 रुपया वाली 100 रुपये तक नहीं पहुंच जाती चीज़, उसकी प्राइस वो इवॉल्व होना शुरू होती है, वो 1 से 2 रुपया 3 रुपया एंड देन कंटिन्यू होते हैं, वो 100 रुपये तक पहुंचती है। तो ये भी क्या है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रहा है किसी चीज़ के अंदर, कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, तो उसके लिए भी हम कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे, ना के प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देन उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, देखें किसी भी घर के अंदर एकदम से 10 बच्चे नहीं पैदा हो जाते, ये प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है, किसी एक शख्स में से, एक माँ बाप में से 10 बच्चे पैदा हो, तो ये क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता किसी कंट्री की, किसी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो ये भी सेंटेंस, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ये प्रोग्रेसिंग
सेंस में आता है, ये प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, ये इवॉल्विंग कंडीशन होती है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखते हैं और इसको ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन उसके बाद अगर देखें एक और यूजेज है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर प्लान्स, जिसके अंदर फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स की जाती हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग टू नाइट, एक शख्स है तो उससे पूछ रहे हैं आप फ्यूचर का, फ्यूचर की बात पूछ रहा है कि आप नाइट में क्या क्या करोगे, वो दोपहर में पूछ रहा है या फिर इवनिंग में पूछ रहा है या फिर मॉर्निंग में उस शख्स से पूछ रहा है कि आप सुबह में क्या करोगे। देखिए ये फ्यूचर प्लान्स का पूछ रहा है, उससे कोई अरेंजमेंट होगी उसकी तो उससे उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर नेक्स्ट वीक, देखें ये भी फ्यूचर प्लान है, अरेंजमेंट उसने की हुई है कि मैं फ्यूचर के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर अपने भाई से मिलूंगा, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही यूज़ होगा और कोई भी टेंस इसके अंदर यूज़ नहीं हो सकता। हु इज़ गोइंग टू टीच अस टुमारो, अब देखें ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर का कोई प्लान है, कोई टीचर है जो कोई एक सब्जेक्ट होगा वो पढ़ाने आएगा, उसकी प्री प्लान होगी, उसकी प्री प्लान एक अरेंजमेंट होगी कि कोई टीचर हमें पढ़ाने आएगा, तो ये भी एक कंटिन्यूस सेंस आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और कंडीशन है, यूजेज है, जिसके अंदर फिजिकल जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उसको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिजिकल फीलिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, इसके साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ हाउ आर यू फीलिंग, मैं राइट नाउ की बात पूछ रहा हूँ कि आप कैसे फील कर रहे हैं, तो हाउ डू यू फील्स भी कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इस फॉर्मेट के अंदर यानी कि फिजिकल फीलिंग्स के अंदर आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करें चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करें तो करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, पर मैं इसलिए इसको फिजिकल फीलिंग्स के अंदर कंटिन्यूस का डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस ही हमारा आज मेन मुद्दा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्योंकि यूज़ होता है फिजिकल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो मैं इसे यहाँ पर इस यूजेस में इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आप फिजिकल फीलिंग्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सॉरी टेंस को यूज़ करके यूज़ करें, एक सेंटेंस बनाए भी करेक्ट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हुए भी करें तो करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल माई टूथ इज़ हर्टिंग, मुझे वो इस वक्त मेरा टूथ जो है वो दर्द उसके अंदर दर्द है और मुझे तकलीफ दे रहा है, तो ये कंटिन्यूस टेंस भी आप लिख सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं माई टूथ हर्ट्स, मेरा जो दांत दांत है वो मुझे तकलीफ देता है, द सेम थिंग आप लिख सकते हैं माई हेड इज एकिंग, माई हेड एक्स, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों आप मतलब यूज़ कर सकते हैं आप ये कंटिन्यूस के अंदर भी और आप सिंपल के अंदर भी। तो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस ये होंगी कि आप जब कंटिन्यूस की बात कर रहे होंगे जब कंटिन्यूस में फॉर एग्जांपल ये लिखा है माय टूथ इज हर्टिंग, तो वो राइट नाउ की बात कर रहा होगा, राइट नाउ की बात कर रहा होगा, और माय टूथ हर्ट्स, मुझे वो दर्द या तकलीफ मेरा दांत दे रहा होता है, तो ये यहाँ पर आप कंटिन्यूस की बात नहीं करेंगे, आप नॉर्मली बात करेंगे ये मुझे कि मेरा दर्द मुझे मेरा जो टूथ है वो मुझे दांत है वो तकलीफ देता है, तो वो फ्यूचर में भी दे रहा होगा, मतलब कि पास में भी देता रहा है, वो अभी भी दे रहा है, पर हम इसकी बात करें तो माई टूथ इज हर्टिंग, तो वो राइट नाउ तकलीफ दे रहा है, वो कब शुरू हुआ है हमें नहीं पता, पर इस वक्त भी वो तकलीफ दे रहा है, करंट टाइम में भी वो तकलीफ दे रहा है, तो हम उसके लिए कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, और नॉर्मली बात करें तो इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है माई हेड इज एकिंग, तो मेरा जो सर है वो फटा जा रहा है, इस वक्त फटा जा रहा है, जो पर्टिकुलर टाइम है चाहे वो 1 बजे में बात कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरा बिल्कुल जो पर्टिकुलर टाइम में वो सर दर्द कर रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। अगर हम माई हेड एक्स तो ये हम जनरल बात करेंगे कि मेरा सर दर्द करता है नॉर्मली, वो अभी भी कर रहा है, बाद में भी करता रहा है और करता रहता है, तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट बिटवीन जब आप फिजिकल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे कंटिन्यूस और इंडेफिनिट में, तो क्या फ़र्क है, दोनों में दोनों सेंटेंसेस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फिजिकल फीलिंग्स पर, मैंने जो फ़र्क बताया तो कंटिन्यूस कब यूज़ करेंगे और इंडेफिनिट कब यूज़ करते हैं, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको उम्मीद है मुझे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो चुका होगा, एंड आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चन की जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करें, तो आपको और मज़ीद इसके ऊपर कमांड आएगी, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अगर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ना मिलें
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपकी PDF फाइल्स एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की मैं आपको दूंगा, जिसके अंदर आप फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगी और चूज़ द करेक्ट आंसर भी होंगे और उसके अंदर राइट एंड रॉन्ग के सिलेक्शन भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।